नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आप देख रहे हैं खास खबर। देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। प्रदेश में होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, होली पर इस बार यूपी में किसी भी तरह की पार्टी नहीं होगी। होली मिलन या किसी भी तरह के कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। इस बार फिर होगी फीकी होली। होली के रंग में कोरोना का भंग। पार्टी और सामूहिक आयोजनों पर रोक। यूपी में कोरोना को लेकर सरकार सख्त। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, उससे होली के त्योहार पर सरकार की तरफ से तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और योगी सरकार ने यूपी में होली को देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर समेत अन्य गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जिस तरह से योगी सरकार ने यूपी में पिछले साल कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया था, उसी तरह इस बार भी सीएम योगी यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कोई लापरवाही नहीं छोड़ना चाहते हैं। बता दें कि होली और राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें भी कार्यक्रम से दूरी बनानी होगी। यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उनकी कोरोना जाँच जरूर की जाएगी। इस बीच सरकार ने 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, गांवों के लिए भी सख्ती बढ़ती जा रही है। गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए, जो सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी अपनी जांच कराएं। साथ ही जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे। इसके साथ ही फिर से कोविड हेल्प डेस्क सक्रिय किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हवाई अड्डों पर भी कोविड जाँच कराई जाएगी। गाइडलाइंस में सख्ती के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन का काम तीव्र गति से किया जाए और इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाए। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ न होने दी जाए और इसके हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम भी उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।